श्रीराम जसदूत पार्टी योजना जसदेश्वर जसदूत पार्टी चौरा गौरी जय माँ शारदा जसदूत पार्टी गतवा जय माँ दुर्गा जसदूत पार्टी बांध चंद्रवणी जय माँ सरमंगा जसदूत पार्टी जनपरा ये सभी सादर आमंत्रित है माँ जगदम्बा के प्रांगण में बैठने जसदूत पार्टी रंगना वाले उपस्थित है जय माँ समुदाय भाई जसदूत पार्टी बड़े मोटा उपस्थित है जय माँ शारदा जसदूत पार्टी शिकारी नारा उपस्थित है शिकारी नारा वाले नहीं है जिंदू सितारा जसदूत पार्टी सिंगरा उपस्थित है जय माँ बोले सभी तरह जसदूत पार्टी कुशूर उपस्थित है जय सिद्धेश्वर जसदूत पार्टी चौड़ा देवी उपस्थित है जय माँ शारदा जसदूत पार्टी गतवा उपस्थित है गतवा वाले भाई साहब जय माँ दुर्गा जसदूत पार्टी बागपुर बिरौनी बिरौनी वाले उपस्थित है रखा गया था और दुर्गा के इस शक्ति स्थल में बहुत ही सुंदर हमारे विभिन्न ग्रामों से आए हुए कलाकारों के द्वारा अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन किया गया और उनके प्रदर्शन को हमारे विद्वान निर्णायक मंडल द्वारा उनकी कला के विभिन्न विधान के ऊपर उनको अंक प्रदान किए और उनको के आधार पर उनका ग्रेडिंग किया गया और उसमें पार्टियों के कला उनकी विधा उनके अभिनय उनके गायन उनके अभिनय को देखकर पुरस्कारों का निर्णय लिया जा चुका है। नव दुर्गा का कार्यक्रम बहुत ही सुंदर ढंग से संपन्न हुआ, उसकी महाराज जी के लिए मैं हमारे युवा समिति की ओर से मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। ग्रेडिंग दिए, अंक दिए, उनके सलाह से ये परिणाम आया है। जसदूत प्रतियोगिता का पुरस्कार क्रमशः प्रथम 21,001 रुपए कार्पेट टंडन स्वर्ण टंडन फर्म जैसे भी ग्राम जसदा की ओर से, द्वितीय पुरस्कार 11,001 रुपए की ओर से, चतुर्थ पुरस्कार 5,001 रुपए श्री दिनेश मधुकर जी युवा समाज सेवक धमनी की राशि है, 3,001 रुपए हमाया महिला स्व सहायता समूह धमनी की ओर से, अष्टम पुरस्कार 2,001 रुपए संकल्प अकादमी हसौल डायरेक्टर किलोसर कमलेश की ओर से, नवम पुरस्कार 1501 रुपए डॉक्टर देव प्रसाद चटर्जी की ओर से, और इन सभी जो और उसकी वजह से हमारे समिति के सदस्यों द्वारा इनाम वितरण उनके अंकों के आधार पर किया जा रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे इस नव दुर्गा कार्यक्रम में जो बेस्ट वाद्य यंत्र का पुरस्कार और इस पुरस्कार को प्राप्त करता है श्री राम जसगीत पार्टी गोधना 2,101 रुपया जोरदार उनके लिए तालियों के साथ स्वागत करें। और सत्य कबीर महिला स्व सहायता समूह से अनुरोध है संत कबीर महिला स्व सहायता समूह द्वारा यह पुरस्कार दिया जाना है। मैं महिला समूह के सभी समिति के सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वो यहाँ पर मंच पर आ जाएं और बेस्ट वाद्य यंत्र का पुरस्कार श्री श्री राम जसगीत पार्टी गोधना को प्रदान करें। हमारे पुरस्कार प्राप्त करने वालों का स्वागत करें। शुभकामनाएं देता हूं
कि भविष्य में भी वो और बेहतर कार्यक्रम पेश करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत बधाई देने वाले हमारे निधि कृषि सेवा केंद्र हसौद के द्वारा यह पुरस्कार दिया जा रहा है और इनके निधि कृषि सेवा केंद्र हसौद के प्रतिनिधि सुरेश कौशिक जी से मेरा अनुरोध है कि वो हमारे बेस्ट झांकी पुरस्कार के विजेता को यहाँ मंच पर अपना उनको पुरस्कार वितरण करेंगे और इस पुरस्कार को पाने वाले हैं जय सिद्धेश्वर जसगीत पार्टी चोरा डोरी बहुत झांकी प्रदर्शन के लिए जोरदार तालियों का स्वागत करें उनको पार्टी को। जय मां दुर्गा युवा समिति बीजपति धमनी की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं धन्यवाद और इसी आशा विश्वास के साथ कि भविष्य में भी इसी प्रकार अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। बहुत ही सुंदर गायन का प्रदर्शन किया और उसके साथ उन्होंने नवम पुरस्कार को भी प्राप्त किया है। इस प्रकार से उन्होंने दो पुरस्कार का एक साथ विजय प्राप्त किया है। नवम पुरस्कार की राशि 1501 प्लस बेस्ट गायक का 1501 अर्थात 3002 रुपए और इस पुरस्कार को देने वाले डॉक्टर देव प्रसाद खट्टर जी एवं मनहरा केसी भूतपूर्व सरपंच धमनी के द्वारा यह पुरस्कार प्रदान किया गया था और इस पुरस्कार के विजेता हैं जय मां शारदा जी पार्टी गढ़वा और इस पुरस्कार को देने के लिए मैं सम्माननीय राकेश साहू प्रिया ईश्वरीय हसौद को यहां पर आमंत्रित करना चाहूंगा। जय मां दुर्गा युवा समिति बीज वस्त्र धमनी की ओर से उनको शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं भी करता हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। और भाइयों बहनों, इसमें सौभाग्य की बात है कि जिस टीम ने बेहतरीन कथावाचक का पुरस्कार प्राप्त किया है वो अष्टम पुरस्कार के भी हकदार हो रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और वाचन भी इनके द्वारा किया गया है तो और इनके साथ ही लाला सोनार के द्वारा चांदी का सिक्का प्रदान किया गया है और इन पुरस्कार को देने वाले हैं संकल्प अकादमी हसौद तिलेश्वर कमलेश एवं गौरव आयुर्वेद केयर धमनी के द्वारा यह पुरस्कार वितरण किया गया है। मैं जय मां कालेश्वरी देवी बधाई, जय मां कालेश्वरी देवी जसगीत पार्टी कोसी को। मैं जय मां दुर्गा युवा समिति बीज वस्त्र धमनी की ओर से इन जसगीत पार्टी के सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत ही शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। जोरदार आते हैं जो कि सप्तम पुरस्कार है और सप्तम पुरस्कार पाने वाले सदस्य में बेस्ट धांच का भी उन्होंने प्रदर्शन किया है तो इस प्रकार से ये दो पुरस्कार प्राप्त करेंगे। सातवां पुरस्कार और बेस्ट धांच का पुरस्कार भी इनको मिलेगा, साथ ही लाला राम सोनार की ओर से चांदी का सिक्का भी इनको इनाम आएगा। और इस सप्तम पुरस्कार के देने वाले हैं महामाया महिला स्व सहायता समूह धमनी एवं प्रिया स्टूडियो हसौद, इनके द्वारा यह सप्तम पुरस्कार एवं बेस्ट झांकी का पुरस्कार दिया जा रहा है। तो भाइयों,
इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली जो जसगीत पार्टी का टीम है उसका नाम है जय मां सनलाई भाई जसगीत पार्टी भोगरी। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। समिति की टीम बाइज्जत उनको यह इनाम भिजवाने का इनको समिति के हमारे सदस्य पवन जी को दिया जा रहा है, वह यह पुरस्कार को कागज उनके पास भिजवाने की ये सातों पुरस्कार दिया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। माता दुर्गा की कृपा इन भोगरी के जब पार्टी के सदस्यों के प्रतिनिधि पवन जी के द्वारा भी ग्रहण किया जा रहा है। हम वादक का पुरस्कार और उसके साथ ही सस्तम पुरस्कार भी उस जसगीत पार्टी को दिया जा रहा है और इस इनाम को प्रदान करने वाले हमारे सत्य कबीर महिला स्व सहायता समूह धमनी की ओर दिया जा रहा है और उनके साथ ही विजय खट्टर जी की ओर से बेस्ट मांगर वादक का इनाम दिया जा रहा है। तो भाइयों बहनों दिल थाम कर सुनिए कि कौन सा जसगीत पार्टी इस इनाम को प्राप्त करेगा। तो माता जी की कृपा से जय माँ दुर्गा जसगीत पार्टी बाग चौक मिरानी को यह पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं मैं प्रदान करूंगा। जोरदार तालियों के साथ इनका अभिनंदन करें। भाइयों और बहनों पुरस्कार के क्रम को आगे बढ़ाते हुए पुरस्कार को देने वाले हमारे दानदाता हैं शासकीय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय धमनी, इनके द्वारा यह पंचम पुरस्कार दिया जा रहा है और शासकीय प्राथमिक पूर्व माध्यमिक विद्यालय धमनी के द्वारा जो पंचम पुरस्कार दिया जा रहा है तो उनके प्रतिनिधि की रूप में नीरज साहू जी को सादर मैं यहां पर आमंत्रित करता हूं। पंचम पुरस्कार की जो राशि है 4001 रुपया वो पंचम पुरस्कार विजेता को प्रदान करेंगे। और भाइयों बहनों दिल थाम कर बैठिए कि पंचम पुरस्कार किसने प्राप्त किया। तो मैं इस मंच के माध्यम से हमारे निर्णायक मंडल द्वारा जो निर्णय लिया गया है उसमें पंचम पुरस्कार विजेता है जय मां शारदा जी की पार्टी सीकरीनाथ सीकरीनाथ। बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। अगर जसगीत पार्टी सदस्य यहां उपस्थित है क्या? नहीं है तो मैं पुनः पवन जी से आग्रह करूंगा कि इस पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में ये पुरस्कार को ग्रहण करें और बात दिया जा रहा है टीका सीका लगा है। और मैं चाहूंगा कि सभी कट्टर धनियों के साथ उनका स्वागत करें। भाइयों वाले हमारे जो दान दाते हैं दिनेश मधुकर जी हैं। और इस चतुर्थ पुरस्कार जो दिनेश मधुकर दिया मधुकर जी Thank you.
और इस पुरस्कार को प्रदान करने के लिए मैं सम्माननीय दुष्यंत साहू जी से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर माता दुर्गा जी के सामने में उपस्थित हो जाएं। और भाइयों एवं बहनों, चतुर्थ पुरस्कार 5001 रुपये और उसको प्राप्त करने वाले हैं झिलमिल जसगीत पार्टी सिंगरा। तो सिंगरा के जसगीत पार्टी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं और जो सदस्य आ रहे हैं शायद ये भगवान शंकर जी का अभिनय करते थे, बहुत ही सुंदर का सिक्का प्रदान किया जा रहा है। तो मैं लाला सुनार जी के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। माता जी की कृपा हमेशा उनके घर पर बनी रहे। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। तो भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विश्व में जितने भी खेल या प्रतियोगिताएं होती है उनमें 3 पुरस्कार आवश्यक रूप से रहता है, कृति, बुद्धि एवं प्रथम पुरस्कार। तो भाइयों बहनों, अब हम पुरस्कार की उस पायदान पर पहुंच गए हैं जो शिखरतम को प्रदर्शित करता है और इस कृति पुरस्कार को देने वाले हमारे जो दानदाता हैं सम्माननीय संदीप मनहर जी और जय माँ दुर्गा युवा समिति भी पदमनी की ओर से जो इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और तृतीय पुरस्कार के लिए जो हमारे दानदाता हैं संदीप मनहर। तो संदीप मनहर जी से मैं मेरा विनम्र आग्रह है कि वो मंच पर हमारे माता दुर्गा जी के समक्ष उपस्थित हो जाएं। तीसरे स्थान के लिए और इस पुरस्कार को पाने वाले जसगीत पार्टी का नाम है जय मां सर्वमंगला जसगीत पार्टी मिलकर। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करें। मैं लिंतरा पुरस्कार पर दिया जा रहा है, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। पुनः मैं जय मां दुर्गा युवा समिति बीच बस धमनी की ओर से मैं इन जसगीत पार्टी को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। बहुत ही सुंदर इनके द्वारा। अब द्वितीय पुरस्कार जिसको हमारे ग्राम धमनी के प्रथम नाम और नाम की घोषणा करने से पहले ही मैं समिति की ओर से उनको बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। तो द्वितीय पुरस्कार के रूप में 11001 रुपये और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले जसगीत पार्टी का नाम है और इनके साथ ही हमारे समिति के द्वारा यह बताया गया है कि द्वितीय पुरस्कार विजेता को सिल भी दिया जा रहा है और इस सिल को रंजीत यादव की ओर से जिनका और मधुर नाम लल्लन यादव के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा द्वितीय पुरस्कार विजेता को सिल दिया जा रहा है। तो भाइयों और बहनों, इस द्वितीय पुरस्कार 2001 रुपये दानदाता ग्राम की प्रथम नागरिक सरपंच रेड्डी खेमराज चटर्जी के द्वारा 11001 रुपया क्षमा चाहता हूं। हो सकता है दिल की धड़कन तेज हो गई है मेरी भी पुरस्कार का घोषणा करते करते। तो द्वितीय पुरस्कार 11001 रुपये के लिए हमारे निर्णायक मंडलों द्वारा जो अपने श्रेष्ठतम प्रयास किया गया है और इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले हैं
जय माँ सनलाइट दाई जगदीश पार्टी बड़े मुर्खा। मैं समिति की ओर से मुड़पार के जसगीत पार्टी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं और जोरदार ताली स्वागत होना चाहिए। बहुत ही अच्छा छाती और गान वर्णन किए थे इन्होंने, काफी बड़ा नाम है इनका। बोलो दुर्गा मैया की जय, दुर्गा मैया की। नवरात्रि प्रारंभ होने से लेकर अभी तक सभी का इंतजार था कि वो कौन सा ऐसा पार्टी है जिसके द्वारा जस गीत में प्रस्तुत होने वाले सभी विधा, चाहे वो गायन हो कि चाहे वो वाद्य यंत्रों का या फिर झांकी का, और हमारे जो निर्णायक मंडल है उनके द्वारा बहुत ही विश्लेषण करने के पश्चात, उनके सभी विधाओं का मूल्यांकन करने के पश्चात जो निष्कर्ष निकाला वो निश्चित ही बहुत ही सही रूप से निर्णय, और हम इससे पहले जितने भी पुरस्कार प्राप्त किए हैं उन सभी को, उन सभी से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि मात्र पुरस्कार प्राप्त करना ही लक्ष्य नहीं होता, अपनी और श्रेष्ठ प्रदर्शन की ओर अग्रसित होना ही वो मनुष्य का सबसे सुंदर कर्म होता है। और इसके साथ ही भाई और बहनों, जो प्रथम पुरस्कार दिया जा रहा है तो निश्चित तौर पर इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला पार्टी हमारे ग्राम धमनी में जितने भी कलाकार यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन किए हैं उनमें बेहतरीन साबित हुए हैं। तो भाइयों, ज्यादा इंतजार ना करते हुए सर्वप्रथम प्रथम पुरस्कार की राशि 21,001 रुपए और इस पुरस्कार को देने वाले हमारे सम्माननीय दानदाता हैं सोनू टंडन, काबिया टंडन। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर जितने भी उपस्थित सदस्य हैं, मैं हमारे प्रथम पुरस्कार के दानदाता सोनू टंडन एवं काबिया टंडन के लिए जोरदार तालियों के साथ उनका अभिनंदन करना चाहेंगे। हम माता जी से हमारे सोनू टंडन और काव्या टंडन जी का बहुत ही हृदय से आभार व्यक्त करते हैं। और इसके साथ ही प्रथम पुरस्कार विजेता को हमारे रंजीत यादव, तो मैं चाहूंगा कि रंजीत यादव के लिए भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इसके साथ ही भाइयों बहनों, हमारे लाला सुनार हसौत की ओर से सभी जस के अभिनंदन करें, इसके लिए जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करें। हमें खेद है कि लाला सुनार और भाइयों बहनों, इस प्रथम पुरस्कार को देने के लिए मैं सागर सोनू टंडन एवं काव्य टंडन जी को मैं आमंत्रित करता हूं, और इसे तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं सोनू टंडन एवं काव्य टंडन जी को। और भाइयों और बहनों, इस नवरात्रि के महापर्व को सफल बनाने के लिए हमारे जो जय माँ दुर्गा युवा समिति बीच बस भूमि की जो सदस्य हैं,
मैं क्योंकि ये कार्यक्रम का अंतिम बेला है तो मैं सम्मान समिति के सदस्यों को यहाँ पर मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगा। उपाध्यक्ष सोम साहब बड़े सभी समय समिति के सदस्य का जिनका भी मैं नाम लूंगा कृपया वो मंच पर आकर हमारे दर्शकों का अभिवादन अवश्य करें ताकि उनसे परिचय भी हो जाएगा। तो मैं सर्वप्रथम हमारे अध्यक्ष यशपाल साहू से अनुरोध करूंगा कि वो आकर हमारे दर्शकों का अभिवादन करें। सम्मानी यशपाल साहू जी अध्यक्ष। इसके साथ ही हमारे समिति के युवा उपाध्यक्ष सम्मानी सोन साहब बरेठ जी से मेरा अनुरोध है कि यहाँ पर मंच पर आकर दर्शकों को अभिवादन करें। कार्य भी पूरे समिति की ओर से हमारे उपाध्याय लगा हुआ है तो वैसे भी उनको कम ही पहचानेंगे। इसके साथ ही मंच पर अभिवादन के लिए आमंत्रित करता हूं। इसके साथ ही हमारे समिति के कोषाध्यक्ष सम्मानी मनोहर यादव जी से मेरा निवेदन है कि मंच पर आकर दर्शकों का अभिवादन करें। 9 दिन तक पूरे समय इस माइक को लेकर मंच संचालन किया और उनके बेहतरीन मंच संचालन का ये परिणाम है कि ये कार्यक्रम हमारा बहुत ही सफल रहा। इनके लिए मैं चाहूंगा कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। मालिक राम यादव, अनिल कुमार साहू, योगेश कुमार साहू, फागू राम बरेट, इन सज्जे जो सभी कार्य समिति के सदस्य रहे हैं, मैं सभी से मेरा सर्वत्र प्रार्थना है कि मंच पर एक लाइन से खड़े हो जाए। सभी से निवेदन है, समिति के जो भी सदस्य है पदाधिकारी आगे खड़े हों। मेरा अनुरोध है कि वो इनके बीच में खड़े हो जाएं। सम्मानीय दानदाता जी सोनू टंडन एवं काव्या टंडन, और जोरदार मैं चाहूंगा कि हमारे इस समिति के सदस्यों का जोरदार तालियों से स्वागत करके इनका उत्साह वर्धन करें ताकि भविष्य में भी इस प्रकार की भक्तिपूर्ण कार्यक्रम को सभी मिलकर कार्य को संपन्न कराएं। और मैं इस मंच के माध्यम से संपन्न हुआ और मैं समिति के सभी सदस्यों को कहना चाहूंगा कि उसी तरीके से अभी लाइन बनाकर खड़े रहें और जिस बात को हम इंतजार कर रहे हैं 9 दिनों से कि कौन सा ऐसा वो जसगीत पार्टी है जिन्होंने हर विधाओं में अपना बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस पुरस्कार को प्राप्त करने का हक प्राप्त किया है। और भाइयों बहनों, मैं पुनः बोल वहां आप सभी मन से निवेदन है कि हमारे गांव के आवाज है कम से कम आस पड़ोस के गांव में पहुंचे। बोलिए माता ठकुराइन दाई की। तो भाइयों, इंतजार की घड़ी को यहीं पर समाप्त करते हुए जय मां शारदा जसगीत पार्टी रायगढ़। मैं समिति की ओर से, ज्ञान धनी की ओर से रायगोना के जय मां शारदा जसगीत पार्टी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। सुप्रसिद्ध और इनको निश्चित तौर पर रायगोना की जसगीत पार्टी ने अपने जसगीत में, चाहे वो वेशभूषा का हो, चाहे वाद्य यंत्र का हो, या जसगीत गायन का हो, या कथा वाचन का हो, इन्होंने हमारे दर्शकों को अभिभूत कर दिया उनके कार्यक्रम से। और मैं घमंड में ना रहे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। जो व्यक्ति अहंकार करता है और यह समझता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, उसका क्षय हो जाता है। तो मैं भाइयों, रायगोना जसगीत पार्टी के सदस्यों को ये बारंबार जन सेवा समिति की ओर से
धन्यवाद का पात्र समझता हूँ कि आज ग्राम पंचायत धमनी में जस झांकी परिवारों में से हमें प्रथम स्थान देकर हमें अवगत कराया कि हम इस काबिल समझ करके हमें प्रथम इनाम की घोषणा की। हम माता दुर्गा से यही कामना करते हैं कि इनके परिवार सुख शांति से रहे, ग्राम पंचायत में कोई भी दुविधा ना पड़े। बोली जय श्री मैया की, जगत जननी मैया की, अम्बे मैया की। मेरा नाम सोमनाथ साहू है, मैं ग्राम रायकोना से ही हूँ। साधे मैया की जय। मैं डिगम चोल है, ग्राम रायकोना से। साधे मैया की। मैं मेरा नाम हिमांशु साहू है और मैं रायकोना से हूँ। हम लोग को धमनी ग्राम में आकर बहुत अच्छा लगा और इस साल की भांति और सब साल यही प्रतियोगिता में हम भाग ले सके और इस प्रतियोगिता का विजेता बने और आगे अच्छा प्रदर्शन करें। धन्यवाद।